हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हो। तो गाइस, मेरा नाम है अविनाश और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट जार्विस के बारे में। गाइस, जार्विस सीरीज़ की 17th वीडियो है और अब तक जितनी भी वीडियो आई हैं, आई होप सारी आपके लिए हेल्पफुल रही हो। ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि ये वीडियो आप लोगों की रिकमेंडेशन से बना रहा हूँ मैं। गाइस, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, उनके सिस्टम में सिर्फ मेल वॉइस में ही जार्विस प्ले हो रहा था, उन्हें फीमेल वॉइस चाहिए थी तो वो फीमेल वॉइस में स्पीक नहीं कर रहा था। इसका रीज़न, हमने एक छोटी सी मिस्टेक की है कोड में, जो कि मेरे को भी आज नोटिस की मैंने। हालांकि मैं बताता हूँ, मेरे को कभी फीमेल वॉइस यूज़ करनी ही नहीं थी, तो मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया। मुझे स्टार्टिंग से जार्विस पे ही काम करना था, तो मेरे लिए मेल वॉइस चल रही थी, मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया इस चीज़ पर। बट मैंने कुछ लोगों का कोड देखा, कम से कम 4-5 लोगों का, और सब में मैंने कॉमन मिस्टेक देखी जिनमें ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट दो वॉइस हमेशा होती हैं, पहली डेविड की और दूसरी ज़ीरा की। अगर ये दो वॉइस नहीं है तो वो दूसरा कंसेप्ट है, मैं आपको वो भी बता दूंगा बाद में। बट अभी के लिए, अगर ये दोनों वॉइस आपके सिस्टम में, उन्हें यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको लेके चलता हूँ और कम्प्लीटली बताता हूँ कि बेसिकली हो क्या रहा है और कहाँ गलती की हमने। तो गाइस, आप देख सकते हो हमारे सामने जार्विस का कोड ओपन है, बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर जो हमने इंजन बनाया था स्टार्टिंग में, याद हो आपको, इंजन में हमने यहाँ मॉड्यूल यूज़ किया, यहाँ पे हमने सेपी 5 यूज़ किया है इसका इंजन, ठीक है। और अब यहाँ पे हमने मिस्टेक क्या किया है, हमने सबसे पहले एक वॉइसेस नाम का वेरिएबल डिफाइन किया और इसी वॉइसेस को हमने यहाँ लिखा हुआ है। गाइस, यहाँ पे कभी भी वॉइस नहीं आता है, यहाँ पे जो पैरामीटर है ये होता है वॉइस। अगर आप लोगों ने सेट प्रॉपर्टी पढ़ी हो इसकी, तो यहाँ पे आपको नेम देना होता है और वैल्यू देनी होती है। हम लोग नेम की जगह यहाँ पे वेरिएबल दे रहे थे, वो गलत है। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको प्ले करके दिखा देता हूँ ये चीज़ पहले। सपोज़ वॉइसेस है यहाँ पे, तो इस केस में होगा क्या, आप चाहे जितनी भी आईडी चेंज कर लो, वो मेल वॉइस ही आएगी। और ये चीज़ मैंने बहुत लोगों के कोड में नोटिस की, इसलिए मैं बना रहा हूँ इसके ऊपर वीडियो। सी, अभी मेल वॉइस है और अगर मैं इसको 1 भी कर देता हूँ, एक सेकेंड, ओके, तो अगर मैं अब इसको 1 भी कर देता हूँ तो भी सिस्टम में मेल वॉइस ही रहेगी। ये मिस्टेक बहुत से लोग कर रहे थे, इसमें छोटा सा सिर्फ प्रॉब्लम था, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इवन मैंने भी अब तक ध्यान नहीं दिया था जब मैंने आज नोटिस किया। तो वैसे देख सकते हो अभी भी मेल वॉइस ही है। बट अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक सेकेंड, तो मेरे बेसिकली सिस्टम में जो वॉइस हैं वो 4 वॉइस हैं। तो फ़िलहाल एक काम करते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं अभी, तो हम एक काम करते हैं, इंजन डॉट रन एंड वेट, दैट्स इट, ओके। तो यहाँ से नीचे का जितना भी कोड है उसको मैं भी कमेंट आउट कर रहा हूँ, ओके, ताकि मैं आपको सिर्फ रन करके दिखा सकूँ कि ये बेसिकली वर्क करता है या नहीं। तो एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो अभी आपको वॉइस आईडी भी मिल जाएगी और वॉइस भी मिल जाएंगी। एक सेकेंड रन होने देते हैं इससे पहले। हेलो सर, आई एम योर वर्चुअल असिस्टेंट। तो गाइस, आप देख सकते हो सबसे पहले डेविड की वॉइस आई, एमएस कोर्टोना की आई, रवि की आई एंड फाइनली जीरा की आई। तो गाइस, डेविड एंड जीरा ये डिफ़ॉल्ट वॉइसेस होती हैं हर सिस्टम में, ये तो मैंने ऐड की हैं। और बस यही प्रॉब्लम जिनको आ रही थी कि उनके सिस्टम में फीमेल वॉइस एक्सेस नहीं कर पा रहे थे वो। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हो मैंने अपने सिस्टम में 4 वॉइसेस कैसे ऐड की, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और मैं जल्दी से जल्दी इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। सो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो हेल्पफुल, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही।